तो दोस्तों भाई लोग, आप लोगों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों अगर आप पोको C3, जी हाँ, अगर आप पोको C3 डिवाइस के यूजर हो तो भाई लोग आज का वीडियो आप पोको C3 यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि गाइज यहाँ पर इंडिया पे पोको C3 डिवाइस को एक न्यू अपडेट मिला है। तो कौन सा अपडेट, वर्जन का अपडेट मिला है, क्या कुछ नया फीचर्स देखने को मिलता है, एंड ये अपडेट अगर आपको नहीं मिला तो क्या करेंगे, एंड ये अपडेट अगर आपको आके चला गया तो क्या क्या करेंगे, फुल डिटेल्स दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। पर भाई उससे पहले अगर आप पोको C3 की यूजर हो और मेरे चैनल पर यार पहली बार विजिट कर रहे हो तो अगर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ साथ आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको भी जरूर दोस्तों बॉल से सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों पोको C3 की यूजर हो तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखते रहो, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एकदम A to Z इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि पोको C3 पे नए अपडेट के दौरान आप लोग क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, एंड ये अपडेट आप कैसे करेंगे। तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस कमाल की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पोको C3 के लिए इंडिया पे जो न्यू अपडेट आया है दोस्तों, उसका वर्जन है MIUI 12.0.12.0। जी हाँ, इसका साइज़ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 390 MB, 390 MB इसका साइज़ है। तो भाई लोग अगर आपके पास भी यहाँ पर पोको C3 डिवाइस है तो अबाउट फोन में जाके आप अपडेट पर जाके चेकआउट करो, शायद ये अपडेट आपको देखने को मिल गया है, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट करके बताना ये अपडेट आपको देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है ना। और भाई वीडियो में लास्ट में बताऊंगा अगर ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहना। तो भाई लोग यहाँ पर इसका कोड देख सकते हैं, INN है मिडिल पेज का, मतलब दोस्तों ये इंडियन स्टेबल अपडेट है, इसका कोड INN है। उसके साथ साथ दोस्तों फटाफट से आप लोगों को मैं बता दूँ इस अपडेट के दौरान क्या क्या नहीं फीचर्स देखने को मिला है यहाँ पर पोको C3 डिवाइस पर, क्या क्या नहीं अमेजिंग चेंजेस आए हैं। तो सिस्टम पे आप लोगों को अपडेट है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच तो जून 2021। तो लेटेस्ट आप लोगों को दोस्तों जून का सिक्योरिटी पैच मिलता है इस अपडेट के दौरान आपके पोको C3 डिवाइस पे। तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, यहाँ पर जुलाई का अभी मंथ चल रहा है पर अभी आप लोगों को यहाँ पर जून का सिक्योरिटी पैच दिया है यहाँ पर पोको C3 यूजर्स के लिए इसी पोको C3 डिवाइस पे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मिलता है इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो आपके सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपका डिवाइस अगर लैग करता था, गेम खेलते टाइम बग्स आते थे यहाँ पर लैग करता था, उसको फिक्स कर दिया गया है दोस्तों इस अपडेट के दौरान, जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो भाई लोग अगर आपके पास भी पोको C3 डिवाइस है तो ये अपडेट अगर आपको मिला है जरूर कर लेना, क्योंकि भाई लोग इस अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। और भाई ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस अपडेट के दौरान क्या क्या नहीं फीचर्स आया है, तो भाई लोग मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके कि ये अपडेट के दौरान क्या क्या नहीं फीचर्स देखने को मिलता है। तो अगर आप न्यू फीचर्स का वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके आपका फीडबैक देना, मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इस अपडेट के दौरान क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर कैमरा वाटरमार्क आया है या फिर नहीं आया है, स्प्लिट स्क्रीन जो ऑप्शन है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, एंड जो ऐप लॉक है आपको आप लॉक कर सकते हो वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग अभी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई कैमरा वाटरमार्क आया है या फिर नहीं आया है, तो भाई फोन को अपडेट कर लो आपको पता चल जाएगा, पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही दूंगा। तो दोस्तों उसके साथ साथ आप बात करते हैं आपको अपडेट नहीं मिला तो क्या करेंगे। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको OTA लिंक या रिकवरी रॉम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, और हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे भी आपको लिंक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पोको C3 के अपडेट्स की लिंक या न्यूज़ पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर ज्वाइन रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना। तो सिंपल से भाई लोग आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर अपडेट करना है अभी आपको OTA लिंक को डाउनलोड करना है जो जिसका साइज़ है 390 MB इसका साइज़ है। तो सिंपल से चूज अपडेट पैकेज के थ्रू यहाँ पर आपको मैनुअली अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। मैनुअली अपडेट करोगे तो आपके डिवाइस में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आपका कोई भी वीडियो फोटो या फिर डाटा इरेज नहीं होगा। तो बहुत सारे दोस्त भाई लोग तो ये भी बोलते हैं भाई हम मैनुअली करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आप लोग एकदम 100% फ्री होके ये लोग कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये Xiaomi ऑफिशियल लिंक्स प्रोवाइड कर सकते, कोई भी यहाँ पर आपका डेंजर चीज़ नहीं है आपके डिवाइस में, ठीक है ना। तो मैनुअली अपडेट कर सकते हो, और अगर आप ऑफिशियल अपडेट वेट कर रहे हो आपके डिवाइस के लिए कि चाहते हो आपके डिवाइस में अपडेट आ जाए ऑफिशियल, तो आप लोगों को 7 से लेकर 10 दिन वेट करना होगा पार्शियल ये अपडेट से रैंडम कुछ यूजर्स के लिए रोल आउट हुआ है। तो 7 से लेकर दोस्तों 10 दिन वेट करो, फिर से Xiaomi पोको C3 के लिए अपडेट ऑल यूजर्स के लिए रोल आउट कर देगा 7 से लेकर 10 दिन का अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे इस अपडेट के दौरान क्या न्यू फीचर देखने को मिलता है, एंड इस अपडेट को आप कैसे करेंगे आपके पोको C3 डिवाइस के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना है, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद यार। और भाई लोग ऐसे ही पोको C3 डिवाइस के रिगार्डिंग अमेजिंग इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स के न्यूज़ पाने के लिए तो भाई MIUI 12.5 एंड एंड्रॉइड 11 अपडेट भी यहाँ पर पोको C3 को मिलने वाला है। तो उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि भाई लोग आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
और दोस्त आपके किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर के पास ये पोको C3 का डिवाइस है तो उसको प्लीज़ यार ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसको भी पता चले उसके डिवाइस में अपडेट के दौरान क्या क्या न्यू फीचर्स आया, क्या क्या न्यू इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों इस अपडेट के दौरान क्या ज़्यादा कुछ आप लोगों को चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ सिक्योरिटी पैच को इंप्रूव करने के लिए अपडेट प्रोवाइड किया है यहाँ पर Xiaomi ने। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो बस इतना।